can't conceal it, but deep down I felt for you. Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share that how to design this most beautiful front open frill dress, and this one is the most requested video, so please keep watching this video till the end. तो गाइस, जैसे कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है एंड रक्षाबंधन इज़ अबाउट टू कॉर्नर, एंड आई वॉज गेटिंग सो मेनी ऑफ कॉमेंट्स एंड डीएम्स के प्लीज़ रक्षाबंधन के लिए कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस शेयर कीजिएगा. सो दिस ड्रेस इज स्पेशली फॉर रक्षाबंधन. आप इसकी इस टाइप की ड्रेस को वेयर कर सकते हो रक्षाबंधन पर, किसी भी कलर में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रिक्वेस्टेड डिज़ाइन नाउ ए डेज. Now doing without further, let's start the video. So guys, यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेंगे, एंड फैब्रिक के लिए here I am using 6 meter georgette फैब्रिक, जो फॉक्स की जॉर्जेट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. आफ्टर दैट here I am using 3 meter करे फैब्रिक फॉर लाइनिंग. आप चाहो तो शैंटोन या साडन कोई भी अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने 3 meter करे फैब्रिक यूज़ किया था. सो गाइज, सबसे पहले हम बॉडीज़ या टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने अबाउट 1/2 meter फैब्रिक को कट कर लिया है. इसको हम 4 fold कर लेंगे लाइक दैट. यहाँ हमने 2 folded कर लिया है, आफ्टर दैट हम इसको 4 fold कर लेंगे. सो गाइज, एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ अ 4 folded फैब्रिक हियर. सो गाइज, इसकी लेंथ 15 inches, विड्थ 10 inches है. फर्स्टली हम शोल्डर के लिए 7 inches का मार्क करेंगे, देन आर्म होल के लिए भी हम 7 inches का ही मार्क करेंगे. सो गाइज, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यहाँ हमने 7 inches का आर्म होल मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है. आफ्टर दैट हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे. सो बस्ट के लिए मैं फर्स्टली यहाँ पर 9 inches का मार्क करूँगी, जिसमें 1 inches एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड कर देंगे. सो टोटल हम 10 inches का मार्क करेंगे. आफ्टर दैट हम वेस्ट के लिए 8 inches का मार्क करेंगे, जिसमें प्लस 1 inches लूजिंग ऐड कर देंगे. सो टोटल हम 9 inches का मार्क करेंगे. देन हमने फिटिंग एंड लूजिंग दोनों वाली ही मार्किंग्स को स्ट्रेट कर दिया है, आर्म होल की शेप दे देंगे. आफ्टर दैट हम नेक के लिए विद मार्क करेंगे. सो गाइज, यहाँ पर मैं नेक के लिए 3 inches का नेक विद मार्क कर रही हूँ. आफ्टर दैट हम फ्रंट बैक नेक डीप मार्क करेंगे. सो बैक नेक डीप के लिए यहाँ पर मैंने 3 inches का मार्क किया है. एक बॉक्स बनाते हुए नेक की राउंड शेप दे देंगे लाइक दैट. सो गाइज, यहाँ हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर दी है. देन हम फ्रंट पार्ट की नेक की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने फ्रंट पार्ट नेक डीप 5 inches का मार्क किया है. देन हमने जो ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को नीचे की तरफ से स्ट्रेट कर देंगे लाइक दैट. सो गाइज, यहाँ पर 1/2 inches का शोल्डर डीप दे देंगे. देन फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 inches का आर्म होल डीप दे देंगे लाइक दैट. सो गाइज, फर्स्टली हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे. एंड सो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट मार्क कर दिया है. सो गाइज, फर्स्टली हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे. सो जो गाइज हमने बैक पार्ट वाली मार्किंग की है, उसको हमको कट कर लेना है. सो गाइज, फाइनली यहाँ हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है. बैक पार्ट को हम एक साइड कर देंगे. आफ्टर दैट हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे. सो फ्रंट पार्ट को अगेन हम 2 folded करते हुए रखेंगे, आलपिन के हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे. देन जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए नेक की मार्किंग की थी, उसको कट कर लेंगे. आफ्टर दैट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे. सो फाइनली गाइज, यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी है. सो गाइज, अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. सो गाइज, यहाँ हमने अबाउट 1/2 meter मेन फैब्रिक या जॉर्जेट फैब्रिक ले लेना है. इनको हम लाइनिंग फैब्रिक पर जो ऑलरेडी कटिंग की है, उसी की हेल्प से इसकी कटिंग करेंगे. सो ऊपर की तरफ हमने जो लाइनिंग फैब्रिक कट किया था, उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से रख लेंगे. सो गाइज, अब लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. एंड हियर हमने जॉर्जेट एंड लाइनिंग दोनों ही फैब्रिक्स को कट कर दिया है. यू कैन सी ऊपर की तरफ हमारा लाइनिंग फैब्रिक रखा हुआ है. सो गाइज, अब हमने इसके नेक की फिनिशिंग करनी है. सो फर्स्टली हमें नेक पर 1 stitching लगानी है. फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में हमने 1 stitching लगा देनी है. 1/2 inches का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की स्टिचिंग लगानी है. सो गाइज, यहाँ पर हमने नेक की 1 stitching दे दी है. एंड नेक में जो 3 corners दिए हैं, उन पर छोटे छोटे कर्व्स लगा देंगे, जिससे कि लाइनिंग फैब्रिक अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए एंड नेक में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आए.
अब गाइज हमने लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर दिया है एंड टर्न करने के बाद मेन फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक ऊपर आ गया है। अगेन हमने नेक पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमने नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर दी है। यू कैन सी इसका लुक एकदम क्लीन आया है, नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। सो गाइज अब हमने इसकी फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट को टू फोल्डेड करते हुए रखेंगे एंड टू फोल्डेड करते हुए रखने के बाद जस्ट इसके मिड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन पर हम लेस यूज़ करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने अबाउट 20 मीटर लेस इस ड्रेस में यूज़ किया है। ये पॉम पॉम लेस है जिसको हमने ब्लैक कलर में यूज़ किया है। सो गाइज जैसे कि हमने इस साइड लेस को रखा है, वैसे ही अदर सेकेंड साइड में भी रख लेना है एंड रखते हुए हमने इस पर वन वन स्टिचिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट के नेक की डिज़ाइनिंग की थी, वैसे ही हमने बैक पार्ट के भी नेक की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब जो हम लेस स्टिच कर देंगे उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को फर्स्टली शोल्डर से स्टिच करेंगे, उसके बाद अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग साइड्स में इसकी फिटिंग दे देंगे एंड बॉडीज़ को रेडी कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम इस लेस की स्टिचिंग करते हुए दिखाते हैं। बेसिकली गाइज यहाँ मैंने 1 फुट का यूज़ किया था इस लेस को अटैच करने के लिए। आप चाहो तो दोनों फुट से भी इसको इजीली अटैच कर सकते हो। सो गाइज इस तरीके से हमने इस लेस को स्टिच कर लेना है। बट रिमेंबर द वन थिंग, आपको लेस को स्टिच करते टाइम लेस को बिल्कुल भी पुल नहीं करना, एकदम फ्री हैंड से आपको इसकी स्टिचिंग दे देनी है। सो यहाँ लेस की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को दोनों को एक साथ रखते हुए शोल्डर्स एंड साइड से स्टिच कर लेंगे एंड बॉडीज़ को रेडी कर लेंगे। नाउ लेट्स कट द स्कर्ट पार्ट। सो गाइज स्कर्ट पार्ट के लिए हियर आई एम यूजिंग अबाउट 2.5 मीटर फैब्रिक एंड यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्डेड फैब्रिक। सो गाइज यहाँ 2.5 मीटर फैब्रिक को हमने 4 फोल्डेड करते हुए रख लेना है। देन फर्स्टली हम वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। सो वेस्ट राउंड के लिए हियर आई एम मार्किंग 4.55 इंचेस। सो बेसिकली गाइस 4.55 इंचेस वेस्ट राउंड इज इनफ फॉर 28 to 32 इंचेस बस्ट। अगर आपकी बस्ट फिटिंग 28 to 32 इंचेस है, सो आप 4.55 इंचेस का वेस्ट राउंड मार्क कर सकते हो। सो गाइस यहाँ हमने वेस्ट राउंड मार्क किया है, उसको कट कर देंगे। आफ्टर दैट हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। सो बेसिकली गाइज यहाँ लेंथ के लिए मैंने मार्क किया था अबाउट 20.55 इंचेस। सो गाइज यहाँ पर जो हम इसकी स्कर्ट पार्ट कट करेंगे वो शॉर्ट पार्ट कट करेंगे, बिकॉज इसमें हम 2 to 2 फ्रिल्स ऐड करेंगे, जिसके बाद इसकी लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइज इस तरीके से हमने 2.55 इंचेस की ही लेंथ मार्क की थी, विच इज़ इनफ फॉर मीडियम साइज़। अगर आपकी मीडियम साइज़ लेंथ है तो आप 2.55 इंचेस का मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आप लेंथ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर हमने स्कर्ट की मार्किंग कर दी है, अब इसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। एंड गाइज स्कर्ट की कटिंग करने के बाद नीचे वाला जो फैब्रिक बचेगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका यूज़ हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने में करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने स्कर्ट की कटिंग कर दी है एंड कटिंग करने के बाद यहाँ हमें स्कर्ट के 2 पार्ट्स मिल गए हैं। सो गाइज यू कैन सी दिस इज़ द 2 पार्ट्स। सो फर्स्टली हम ओनली 1 साइड से इसको स्टिच करेंगे, दूसरी वाली साइड से हमें स्कर्ट को स्टिच नहीं करना, इसको ओपन ही रखना है जो हमारा फ्रंट में आएगा। सो गाइज यहाँ हमने स्कर्ट की 1 साइड को स्टिच कर लिया है एंड स्टिचिंग करने के बाद ये स्टिचिंग वाला पार्ट बैक में चला जाएगा एंड इसकी ओपन वाली साइड जस्ट फ्रंट में आएगी। सो गाइज यहाँ हम एक बार आपको स्कर्ट को एडजस्ट करके बताते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है। अगेन आई एम टेलिंग, ये जो स्टिचिंग वाला पार्ट है ये जस्ट बैक में चला जाएगा एंड ओपन वाली साइड्स इसके फ्रंट में रहेंगी। सो गाइज इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमने जॉर्जेट फैब्रिक के साथ स्कर्ट की कटिंग की है, वैसे ही सेम हमने लाइनिंग फैब्रिक की भी स्कर्ट कट कर ली है एंड उसको भी एक साइड से स्टिच करके दूसरी साइड को ओपन कर दिया है। सो गाइज हियर यू कैन सी हमने लाइनिंग वाले स्कर्ट को नीचे से फोल्ड करते हुए भी स्टिच कर लिया है एंड स्टिचिंग करने के बाद जो इसकी लेंथ आई है अबाउट 28 इंचेज़ आई है। सो गाइज अब हमने इस ड्रेस की फ्रिल्स की कटिंग कर लेनी है। सो फ्रिल्स की कटिंग करने के लिए अबाउट 4 मीटर फैब्रिक को यहाँ पर हमने मैनीफोल्ड्स करते हुए रखा है।
एंड गाइज यहाँ फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया है एंड फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 44 इंचेस है। सो गाइज बेसिकली हम 11-11 इंचेस की फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने 11-11 इंचेस का फ्रिल की लेंथ मार्क कर लेनी है। सो गाइज जब हम इसकी लेंथ मार्किंग करेंगे सो सारी ही फ्रिल्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि सारी फ्रिल्स की लेंथ इक्वल आए। सो 44 इंचेस इस फैब्रिक की टोटल लेंथ थी इसलिए हमने 11 इंचेस का मार्क किया है। सो आप जो भी फैब्रिक यूज़ कर रहे हो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क कर लेना है। सो गाइज इसके बाद हमने इन मार्किंग्स पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आफ्टर दैट फ्रिल्स की कटिंग कर लेंगे। सो गाइज बेसिकली अबाउट 4-4 मीटर की ये फ्रिल्स के पार्ट हमें मिल गए हैं। 4 फ्रिल्स के पार्ट मिल गए हैं। अब इन फ्रिल्स का यूज़ करते हुए हम इस स्कर्ट में फ्रिल्स की 2 लेयर अटैच करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम इन फ्रिल्स में प्लेट्स बनाएंगे। आप चाहो तो थ्रेड गैदरिंग्स भी बना सकते हो बट मैंने इसमें प्लेट्स बनाई थी। सो गाइज इस तरीके से हम इसे ओपन करके दिखाते किस तरीके से प्लेट्स बनानी है। सो गाइज हमने फ्रिल्स में छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। सो बेसिकली गाइज हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है इसलिए हमें ज़्यादा पास पास फ्रिल्स की प्लेट्स नहीं बनानी, दूर दूर ही इसको स्टिच करना है। सो गाइज वंस हम आपको मशीन के हेल्प से इसको स्टिच करते हुए बताते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे एंड इन प्लेट्स की लेंथ अबाउट 1-1 इंचेस है। सो 1-1 इंचेस की दूरी पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डू थ्रेड गैदरिंग, आप थ्रेड गैदरिंग भी कर सकते हो जो थ्रेड को पुल करके करते हैं बट यहाँ पर मैंने प्लेट्स गैदरिंग ही की थी। सो गाइज यहाँ हमने सारी फ्रिल्स को प्लेट्स करने के बाद जो जब इसकी लेंथ मेज़र की थी अबाउट 6 मीटर इसकी लेंथ आई थी गैदरिंग करने के बाद। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने सारी फ्रिल्स में प्लेट गैदरिंग्स कर ली है एंड गैदरिंग करने के बाद अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, गैदरिंग करने के बाद टोटल फ्रिल की जो लेंथ आई थी वो अबाउट 10 मीटर आई थी। सो गाइज 4 मीटर लेंथ हमने फर्स्ट वाली फ्रिल में यूज़ की थी एंड 6 मीटर लेंथ हमने बॉटम वाली फ्रिल में यूज़ की थी। सो गाइज अब हम इन फ्रिल्स को स्कर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सो गाइज व्हाट हैपन मोस्टली क्या होता है जब भी हम स्कर्ट से फ्रिल्स अटैच करते हैं उनकी लेंथ कभी भी एक्यूरेट नहीं बैठती, फ्रिल्स की लेंथ कभी ज़्यादा या कम हो जाती है। सो उस केस में हमने स्कर्ट के साथ जब फ्रिल्स को अटैच कर लेना है अगर हमारी फ्रिल्स की लेंथ कम रह जाती है तो आप स्कर्ट पार्ट में बॉटम वाली साइड्स में कुछ प्लेट्स डालकर स्कर्ट की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ हमने स्कर्ट पार्ट के साथ दोनों ही फ्रिल्स को अटैच कर लिया है एंड आफ्टर दैट हम इन फ्रिल्स के ऊपर एक लेस यूज़ करेंगे। सो बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी ही दिखाई थी ब्लैक कलर में वही लेस हमने अगेन यूज़ कर लेनी है। सो हियर आई एम टेलिंग यू अगेन, हियर आई एम यूजिंग 20 मीटर लेस, दिस इज़ द पॉम्पम लेस इन द कलर ऑफ ब्लैक, हम ब्लैक कलर में इस पॉम्पम लेस का यूज़ करेंगे। सो गाइज जो हमने फ्रिल्स अटैच की हैं उन्हीं की जो स्टिचिंग आई है उसके जस्ट ऊपर हम इस लेस का यूज़ करेंगे जिससे कि इस ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए एंड इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। सो इस तरीके से हमने इस लेस का यूज़ कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप इजीली देख सकते हो इस तरीके से इस लेस को अटैच कर लेना है एंड गाइज लेस को स्टिच करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लेस को बिल्कुल भी पुल नहीं करना है, फ्री हैंड से इस लेस को स्टिचिंग करनी है। सो गाइज आपने जो फ्रिल्स अटैच की थी जस्ट ऊपर हमने इसके लेस स्टिच कर ली है एंड साथ में ही बॉटम वाली साइड में जो फ्रिल अटैच की थी उसकी भी बॉटम में हमने इस लेस को स्टिच कर लिया है, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। आफ्टर दैट हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। सो गाइज जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी लाइनिंग वाली जो हमने स्कर्ट कट की थी अब उस स्कर्ट को हम फर्स्टली मेन स्कर्ट के साथ वेस्ट से स्टिच करेंगे, आफ्टर दैट हम मिड से भी फोल्ड कर लेंगे।
सो गाइज, फर्स्टली हम वेस्ट से दोनों ही स्कर्ट्स को स्टिच करेंगे लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट हम मिड से दोनों ही फैब्रिक्स को एक साथ फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करेंगे, देन इस पर वन वन स्टिचिंग लगा देंगे। सो दोनों ही साइड्स में हमने ऐसे ही सेम करना है, ऊपर की तरफ से स्टिचिंग दे देनी है, एंड इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम दोनों ही स्कर्ट्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इस पर यही सेम लेस यूज़ करेंगे फ्रंट में। सो इस तरीके से ये लेस हमारी इस ड्रेस के जस्ट फ्रंट में आएगी। सो गाइस, जब दोनों ही साइड्स में हम इस लेस को स्टिच करेंगे, सो लेस की पॉम्पम वाली डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। सो गाइस, यहाँ हमने इस लेस को कुछ इस तरीके से स्टिच किया है, इसकी पॉम्पम वाली डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रही है, यू कैन क्लियरली सी। सो गाइस, यहाँ हमने स्कर्ट का बॉटम पार्ट रेडी कर दिया है, सॉरी ड्रेस का बॉटम रेडी कर दिया है। आफ्टर दैट हम इसके साथ टॉप या बॉडीज अटैच करेंगे। सो गाइज, यहाँ हम स्कर्ट की वेस्ट में कुछ प्लेट्स डालते हुए टॉप की वेस्ट के अकॉर्डिंगली इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, एंड नीचे की तरफ हम अबाउट 7 इंचेस की लेंथ पर इन दोनों को मिड से स्टिच कर लेंगे एक साथ। सो फाइनली गाइज, हमने ड्रेस को ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू रेडी द स्लीव्स। सो गाइज, फर्स्टली हम स्लीव्स की कटिंग के लिए फेब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे इस तरीके से लाइक दैट। सो यू कैन सी इजीली दिस इज़ द 4 फोल्डेड फेब्रिक हियर, एंड 4 फोल्ड करने के बाद इसकी फेब्रिक विड अबाउट 9 इंचेस आई है, एंड फेब्रिक लेंथ या फिर स्लीव की लेंथ जो आई है वो 10 इंचेस आई है। सो फर्स्टली हम आर्म होल के लिए 9 इंचेस का मार्क करेंगे, देन हम आर्म होल डीप के लिए 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे, इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। आफ्टर दैट हम एल्बो के लिए मार्किंग करेंगे अबाउट 6 इंचेस, जो हमारा एल्बो राउंड रहेगा वो 6 इंचेस रहेगा। सो गाइज, जो स्लीव्स की मार्किंग की है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ हमने स्लीव की कटिंग कर दी है। आफ्टर दैट हम इसमें नीचे फ्रिल्स अटैच करेंगे। सो गाइज, फ्रिल्स को अटैच करने के लिए यहाँ हमने एक फैब्रिक ले लिया है, जिसको इस तरीके से हमने 2 फोल्ड कर लिया है फर्स्टली। आफ्टर दैट हम इसको मिड से कट करेंगे। सो गाइज, अब इस 2 फोल्डेड फैब्रिक को हमें मिड से कट करके इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सो 1-1 पार्ट दोनों ही स्लीव्स में यूज़ होगा। सो गाइज, इस तरीके से अब हम स्लीव्स में नीचे की तरफ एक और फैब्रिक अटैच करेंगे, एंड इस फैब्रिक में बेसिकली हम प्लेट्स बनाते हुए स्लीव्स के साथ स्टिच करेंगे। सो गाइज, ये जो हमने फैब्रिक कट किया है इसकी लेंथ अबाउट 7 इंचेस है। सो गाइज, इस तरीके से प्लेट बनाते हुए हमने स्लीव्स के साथ इसको अटैच कर लेना है। कुछ प्लेट्स ऊपर एंड नीचे दोनों ही साइड्स में बनानी है, साथ में ही वही सेम पॉम्पम लेस का यूज़ हम इस फैब्रिक के दोनों ही साइड्स में करेंगे, बॉटम एंड टॉप में, एंड साइड से स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली गाइज, यहाँ हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी बोथ स्लीव्स आर रेडी। नाउ इट्स टाइम टू अटैच दी स्लीव्स विद दी ड्रेस। सो गाइज, अब हम आर्म होल के साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। सो गाइज, यहाँ आप इजीली देख सकते हो बॉटम में हमने जो फैब्रिक अटैच किया है उसमें फ्रिल्स या फिर प्लेट्स बनाते हुए इसकी डिजाइनिंग की है, विच इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू डू। सो लाइक दैट, दोनों ही स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच करते हुए इस ड्रेस को फिनिश कर लेना है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइज, आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस वाज माय वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड ड्रेस, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की। सो फाइनली आई हैव डिज़ाइन दिस ड्रेस। सो गाइज, इसी के साथ आप हमारे फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइंस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वी हैव कंप्लीटेड 1 मिलियन फैमिली ऑन आर फर्स्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइज, प्लीज सपोर्ट अस एंड डू लव एज यू ऑलवेज डू। नाउ इट्स टाइम टू गो, एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से गाइज, टेक योर गुड केयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।